ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, सो आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स लाइफ में और बहुत खुश होगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक ये नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग लेके आए हैं जिसका आप सबको बहुत इंतज़ार था। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग में सबसे पहले मैं आपकी फिर आपके पार्टनर की लव ओरेकल से गाइडेंस निकालेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में कैसे चलना है, और फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे ओवरऑल कि लाइफ में आपको क्या करना चाहिए और कौन सी बातों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लेना, सारी की सारी बातों को अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। और एनर्जी जो है वो रिवर्स हो सकती है, यानी कि जब मैं आपके पार्टनर की निकालूँ वो आपकी हो सकती है, और जब मैं आपकी निकालूँ तो वो उनकी हो सकती है। सो वो भी चांस होते हैं, एनर्जी रिवर्स भी होती है। सो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इस रीडिंग को देखें। जितने लोगों ने आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं या बहुत टाइम से आए हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लेम करके ज़रूर बताया करें कि रीडिंग आपसे मैच हुई है या नहीं हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी पॉजिटिव नोट पे हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट बात और बोलनी है कि प्लीज़ पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे। और रीडिंग के लिए जब आप कांटेक्ट करते हैं तो आप बस मैं आपको जो टाइम बताती हूँ थोड़ा सा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का देख लिया करें, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। सो फ्रेंड्स, जल्दी से मिलते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि कैसा है ये आपका नो कांटेक्ट में आपकी एनर्जीज। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकाल रही हूँ कि आप क्या फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में, आपकी क्या एनर्जीज हैं। सो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। सो जहाँ तक मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं टॉरस, ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई एक बहुत बड़ा एक साइकिल है ज़िंदगी का, या कोई एक बहुत बड़ा फेज है जो ओवर हो गया है या कंप्लीट हो गया है, और अब आप उससे आगे बढ़ने लगे हैं। आप शायद अपनी ज़िंदगी में अब आगे के बारे में सोच रहे हैं, शायद ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में जो पीछे प्रॉब्लम्स आई, जो चीज़ें मैंने फेस की, अब उनको ठीक कैसे किया जाए, किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई जाए, किस तरह से एक नई शुरुआत की जाए। ये जो अंत आया आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट का, अब इससे एक नई बिगनिंग कैसे की जाए। दिमाग में आपके मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हीलिंग है, ये देखो हीलिंग चल रही है। अगर आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़ थे या बहुत ज़्यादा पेन में थे, तो वो चीज़ भी आपकी कहीं ना कहीं जैसे भर रहे हैं, वो ज़ख्म आपके भर रहे हैं, और आप उन चीज़ों से अब बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अच्छी और एक पॉजिटिव रीडिंग है टॉरस आपके लिए, जिसमें आप मुझे खुद अपने आप पर ध्यान देते और अपने हर एक हीलिंग पर ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं वो क्या सोचते हैं इस नो कांटेक्ट में, उनकी क्या एनर्जीज हैं। सो टॉरस के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इस नो कांटेक्ट में, आइए देखते हैं। द मैजिशियन, द वर्ल्ड का कार्ड आपके में भी आया था, इनके में भी आया, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कॉइन्स एंड द हाई प्रीस्टेस। सो टॉरस, आपका पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है, जैसे आपने एक पूरा कंप्लीशन देखा और वो ख़त्म हो गया, ऐसे आपका पार्टनर भी एक पूरा जो साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म हुआ है, अब वो मैनिफेस्ट कर रहा है एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, अपनी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। उसे भी पता है कि ये अध्याय ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो भी वेट कर रहा है कि अब एक नया अध्याय शुरू हो, एक ऐसा अध्याय जहाँ पर अब वो अगर प्यार दिखाएगा आपको
तो बहुत सोच समझ के दिखाएगा। आप ये मत सोचें कि अब वो पहले की तरह आपको इमोशनल होकर प्यार डुल डुल कर आपके ऊपर गिर गिर के जैसे पहले वो करता था या करती थी उतना ज़्यादा करने वाला है। ये चीज़ मैं आपको अब वार्निंग समझें या जो भी समझें, ठीक है, बस ये दिख रहा है इसके अंदर कि वो अब वो पहले वाली सोच जो थी ना, एक एक होता है ना, बिल्कुल हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और हम उसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बस हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है रिश्तों में जब हम सोच कर प्यार करते हैं, क्योंकि हम दिल तोड़वाने से डरते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पार्टनर जो है आपका अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहता। अब बहुत सोच सोच के, बहुत प्लानिंग करके, बहुत दिमाग चलाकर अब प्यार करेगा, अगर करेगा तो। और उसका जो मेन मकसद है वो अब ये रहेगा कि मैं घर परिवार को कैसे जोड़ के रखूं, कैसे मैं अपने घर को अपने सबके साथ मिलकर चलूं। उसका ये नहीं रहेगा कि मुझे खुद कुछ पाना है, ठीक है, तो वो ओवरऑल चीज़ों पर फोकस करेगा। सो ये है आपकी पार्टनर की एनर्जीज। आइए लव ओरेकल से देखते हैं क्या आपको लव ओरेकल से कुछ कहना चाहते हैं डिवाइन, क्या गाइडेंस मिल रही है आपको लव के रिगार्डिंग। सरेंडर, तो एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू एंटर इनटू आवर लाइव्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को। जैसे कि हमने आपकी रीडिंग में देखा ही कि पहले अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया है, पार्टनर की लाइफ में भी यही दिख रहा है, वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, जो बीत चुका है उसे गुजर जाने दीजिए और आगे की सोचिए। नेक्स्ट, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ शिफ्टिंग साइकिल्स। दोबारा से एक ऑलमोस्ट सेम ही मैसेज है कि एक एक साइकिल ख़त्म हो गया है, अब एक दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है। तो जस्ट गो विद द फ्लो। कोई सी चीज़ को, किसी चेंज को, किसी बदलाव को रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जब समय जिस धारा में लेके बहता जा रहा है आपको, आप आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। आइए डिवाइन गाइडेंस निकालते हैं ओवरऑल आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपको। डिवाइन गाइडेंस फॉर टॉरस ओवरऑल क्या रीडिंग है। सो डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज़। सो टॉरस, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे या बैलेंस नहीं कर रहे अपनी लाइफ को और आप सोच रहे हैं कि आप ही के अकॉर्डिंग हर चीज़ हो जाए, तो देखो ऐसा नहीं होगा। आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ तो करने ही पड़ेंगे। सो अगर ज़िंदगी में बैलेंस लाना है तो सामने वाले की भी सुननी पड़ेगी और अपनी भी सुनानी पड़ेगी, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। फॉरगिवनेस, आपको सामने वाले को माफ़ करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो अपने ज़ख्म लेके बैठा रहेगा और आप अपने, तो फिर कैसे लाइफ की ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, तो स्टक होके बैठ जाएंगे आप, ठीक है। एंड लास्ट है इन द नियर फ्यूचर, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है। इन द नियर फ्यूचर क्या पता आप माफ़ कर दें, चीज़ों को फॉरगिव कर दें, बैलेंस ले आएँ सिचुएशन में, और फिर एक दोबारा से एक अच्छा हैप्पी आप दोनों के बीच में एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए और ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए। सो रीडिंग कैसी लगी आपको प्लीज़ बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को और मुझे कमेंट कर सकते हैं कुछ नया आपको रीडिंग चाहिए हो तो। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।